अरवी का सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। अरवी अभी उबाल करके छील रहे हैं और इसको डीप फ्राई करेंगे। अरवी हम फ्राई कर रहे हैं, ये आलूदम टाइप का ही बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये ब्राउन होने के बाद इसको हम निकालेंगे। दोस्तों देखो, हम ये अरवी जो है फ्राई कर लिया, जैसे आलू से जैसे अधिकता आलू वैसे ही दिखे हो गया। अब इसका हम दिखाते हैं कि प्याज कटिंग कर लिया है दो पीस, टमाटर है, ये हरी मिर्ची है। अब पेस्ट हम बना के रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं कि लहसुन पेस्ट कभी ख़राब नहीं होता है, इसलिए बना के रखने से ठीक रहता है। अब बाकी मसाला देखिए रहता है, वही देना है। तेल हम बैठा दिए हैं गर्म होने के लिए। अब तेल शायद गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा, हींग और प्याज देंगे, लहसुन लास्ट में देंगे। देखिए प्याज हम सेक रहे हैं, ब्राउन होने तक इसको सेक करेंगे। उसके बाद ब्राउन होने के बाद में हम टमाटर डालेंगे और उसी के बीच में लहसुन डालेंगे। लहसुन नहीं देने के लिए है, लहसुन देंगे। देखिए प्याज ब्राउन हो गया, अब लहसुन इसमें हम देंगे। अब देखिए इसमें लहसुन, अरवी में लहसुन ज़्यादा लगता है। हम टमाटर देंगे क्योंकि लहसुन से मिला करता है। देखिए लहसुन सीख गया है, और इसमें हल्दी और मिर्चा देंगे। हल्दी दिए और लाल मिर्ची और नमक। अब इसमें टमाटर दे देंगे। अब इसमें धनिया पाउडर देंगे और गरम मसाला। मसाला पूरा सिकाई हो गया है, तेल छोड़ दिया। अब बाहर भी हम इसमें दे देते हैं। ये ग्रेवी नहीं, सेमी ग्रेवी है, कटमा टाइप का। ये अरवी का सेमी चिपका हुआ देसी स्टाइल। अच्छा दिख रहा है ना, पता नहीं चले कि अरवी का सब्जी है। और इसमें धनिया पत्ती देखिए थोड़ा मिला देते हैं, इसका थोड़ा नमक टेस्ट कर लेते हैं। अरवी सब्जी हमारा रेडी हो गया, अरवी का आलूदम बन गया। इसे अरवी आलूदम सब्जी बोलते हैं इसको। और हमारा चैनल पहली बार आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।